तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं एक हिस्टोरिकल मोमेंट, अपने यादें, कुछ अपना यादें हम ताज़ा करेंगे जो पास का कोलकाता का श्याम बाज़ार में जो है यहाँ पर। और आपका ये जो बोला गया अनफॉरगॉटन ब्रेकफास्ट या नाश्ता बोलिए, ये जो जगह का नाम है, ठीक है, यह है पार्वती भंडार, जो बहुत ही मशहूर है आपका डिकाई पराठा और इसका जो छोला दाल और भी बहुत सारी आइटम्स बनते हैं यहाँ पर। आपको समोसा हो गया, आपका पनीर चॉप हो गया, बहुत सारी चीज़ बनते हैं यहाँ पर, जो आपका कचौड़ी हो गया। तो दिखाएंगे आपको सब चीज़ वीडियो, तो इसमें हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको। अगर वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए कि कैसा बनता है इसका जो हिस्ट्री, हमारे जो पास्ट, जो कुछ यादें हम आपको ताज़ा करने आए हैं पीछे में, ठीक है, दिखाने के लिए। ये आपका है पार्वती भंडार। चलो गाइस मिलते हैं। अच्छा, ये लग रहा मिठाई, लग रहा मिठाई से होता ना, मिठाई का तरह है, उसको राउंडिंग करना पड़ेगा, उसका क्रीम देना पड़ेगा। इसमें कैसे कैसे बनता है? मैंने क्रीम देना पड़ेगा, क्रीम मैंने चावल का गुना का क्रीम। ये हो गया दिखाई परोठा का पूरा प्रिपरेशन, पूरा रेडी है, खाली पकाना है, बेलना है, देना है। अभी इसको रखे हाँ, उसको डेढ़ घंटा एक घंटा रखना होगा। अच्छा, उसका तब खिलेगा उसका। पहले बनना है, डालना है तेल, इसी तरह से डालना है। अरे वाह, लग रहा हो वॉल्केनो हो रहा है, वॉल्केनो। तो ये दिखाई पराठा गया, मैं गरम गरम खाते थे कि ठंडा खाते हैं? मत हो रहा, खास्ता मत रहेगा। अच्छा, उसको ठंडा हो जाने से आहिस्ता करके तेल डाल के, हल्का तेल गरम होगा, इसी तरह से तेल डालना पड़ता है, डालने से आहिस्ता फूलेगा माल्ट, फूल के स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद जब ठंडा हो जाता है माल तो खस्ता हो जाता है, खस्ता मत एकदम क्रंची हो जाएगा, क्रंची एकदम बिस्किट तरह। और ये मिठाई टेस्ट होता क्या? मीठा टेस्ट होता है कि नमकीन? नहीं, नमकीन होता है, नमकीन। और ये जो डालते हैं छोला दाल, उसमें क्या है, वो मीठा होता है हल्का से? हाँ, उसको हल्का से मीठा होगा। उसका बाद इसको तोड़ दीजिए, खा के खाइए, इसका उसका अंदर में डाल के खाइए, कोई असुविधा नहीं है। भैया ये कितना टाइम लेगा इसको? 10-15 मिनट। इसको मार के निकालते पूरा तेल? नहीं तो निकलेगा कैसे? इसको इसी तरह से काटना होगा, हो जाने के बाद इसी तरह से मारना होगा, बाद निकलेगा, इसी तरह से होगा। गाइस ये हो गया आपका प्रोसेसिंग, हो रहा है अभी दिखाई परोठा, ठीक है, जो आपका इसमें हम डालते हैं, इसके साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है दिखाई परोठा के साथ आपका बनता है छोला दाल, जो हल्का सा मीठा होता है, चना दाल बोलते हैं इसको, लेकिन डालते थोड़ा मीठा जैसा डालते हैं, हल्का सा मीठा होता है। और ये आपका जो यहाँ जो बन रहा है पार्वती भंडार में बन रहा है, जो मेकिंग दिखा रहे हैं हम आपको, इसलिए ओरिजिनेटेड कहाँ से बोला गया है कि ये दिखाई पराठा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिदनापुर, बट इनको क्या बोला गया अभी ढाका से भी है, तो अभी पूछते हैं भैया से, पता लगाते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ से, ढाका से है या मिदनापुर कोलकाता से है। तो अगर आपको लगता है कि ये जहाँ से भी नेम है और इसका ओरिजिनेट कहाँ पर है, उसको कमेंट करके बताइए मेरे को, ये आकर ढाका से बना हुआ है, बांग्लादेश से आया है ये डिश का जो रेसिपी, या आपका बना है आपका मिदनापुर से, ठीक है।
थी, बोलते उसको उसको बोला गया कि इसको दिखने लगता है गोलगप्पा जैसे ना, बड़ा गोलगप्पा साइज बोलते उसको। तो ये आपका छोलार दाल ना, छोलार दाल, छोलार दाल। गाइस ये देखो आपका है दिकाई परोठा, जो कलकत्ता का मोस्ट फेमस अनफॉरगॉटन प्लेस चाइल्डहुड का, जो हम लोग यहाँ आते थे पूरा। 1976 का ये दुकान का बना था, 1956 का ये शॉप है, इतना पुराना ज़माना, थ्री जनरेशन का, थर्ड जनरेशन। और ये आपका है दिकाई परोठा, जो इसका अंदर ये लुक्स लाइक अ पूरी, लाइक आलू क्या बोलते हैं वो, पानी पूरी बस लगता है, समथिंग लाइक पानी पूरी। और ये बनाया है पूरा, इसके अंदर डालते हैं छोलार दाल जो हल्का सा स्वीटन होता है। इसको आप दो तरह खा सकते हैं, या तो आप तोड़ के खाइए, या उसको क्रंच करके आप दबा सकते हैं, डायरेक्टली आप उसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये देखो, तो इसको आप ज़्यादा उसको ऐसे खाते डायरेक्टली ना, तो देख चलो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। ये आपका जगह परोठा जो ऊपर से क्रंची है, थोड़ा सॉल्टेड है, फ्राई किया है, अंदर में जो छोला दाल है वो आपका है स्वीटेंड। ये देखो छोला दाल बेसिकली चना दाल है, ठीक है, ये चना दाल बना, इसको तोड़ते पूरा भी हम लोग, इसे दबाओ ऐसा, देखो ये हो गया आपका चना। दादा बढ़िया दादा है, तुम बोलो छो ना, देखो एकदम क्रंची है और सेम लाइक चना दाल बनता है ऐसा। और ये अच्छे बताइएगा मेरे को, कमेंट करके बताइए, ये जो आपका दिकाई परोठा है ओरिजिनेटेड कहाँ से है, मिदनापुर या आपका ढाका बांग्लादेश, कहाँ से बताइए कमेंट करके हमको। भैया ये कहाँ से है एक्चुअली, ओरिजिनेट कहाँ से है, ये कलकत्ता से है या कहाँ से बना ये? इट इज फ्रॉम ढाका। ढाका, ये प्रोडक्ट ढाका में बनता था, ढाका में। अच्छा, तो एक्चुअली ये बना ढाका से स्टार्ट हुआ है, इज नॉट मे मिदनापुर, इट इज नेम ऑफ ढाकाई परोठा। ढकाई परोठा, मैं ढकाई का परोठा है, देख ढाका ढाका बांग्लादेश ढाका, हम लोग का परोठा कैसा बनता है, हाँ ये वहाँ का ऐसा क्रंची टाइप का परोठा, वहाँ का मिस्त्री लोग यहाँ कलकत्ता में आया और उसको प्रचार किया, बन रहा अब तक बन रहा। 1956 से ये स्टार्ट हुआ था है ना, ठीक, कितना पुराना ज़माना है ये, आपका चाइल्डहुड डेज साल हो गया, ये एक्चुअली अनफॉरगॉटन प्लेस था। तो मैं सोचा कि आज बनाता हूँ वीडियो आपका जो कोलकाता का श्याम बाज़ार में सबसे पुराना जगह, श्याम बाज़ार जो आपका ब्रिंगिंग इन द हिस्ट्री, बाकी का जो पूरा पिछले पूरा बचपन का या दोस्त यारी का कॉलेज लाइफ, उसको मैं सोचा था लेकर आऊँगा आप लोग को। तो अगर आप कोई भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर विजिट किए हैं यहाँ पर पहले आपका चाइल्डहुड डेज में, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइए कि हाँ आपने आया था यहाँ पर कॉलेज टाइम में या दोस्त लोग के साथ, कमेंट कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है दादा। थैंक यू दादा। चल पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। ये पनीर, हाँ ये पनीर, पनीर का चौ, उसको डाइस बनाना है, डाइस डाइस करना पड़ेगा, हाँ डाइस करना पड़ेगा, उसके बाद उसका अंदर ये पनीर, हाँ वो पनीर उसका अंदर जाएगा, उसका वह माल डाइस बनेगा, डाइस का बाद उसको फिर ड्राई होगा, अच्छा तो ये ऊपर एक नीचे से, हाँ 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 बीच में फिलिंग हो जाता है, और डाई से ये पनीर का चौप हो रहा है डाई। ये बेसन है भैया, मैदा बेसन का कोटिंग रहता है, मैदा बेसन का कोटिंग कोटिंग रहता है, पानी में घोल दिया उसको, वेजिटेबल चॉप, वेजिटेबल चॉप, वेजिटेबल चॉप। और वहाँ बन रहा है समोसा, समोसा
आलू दिया, अदरक दिया, कंचा लंका दिया, पांच फुटन दिया, तेज पत्ता दिया, कारी पत्ता दिया, हर चीज दिया। देने के बाद अभी उसको अभी फ्राई करना पड़ा, अभी थोड़ा से हल्का आंच दे के उसको थोड़ा फ्राई करना है। चूना देना है एक चम्मच, एक चम्मच लंकर गुणा दिया, हाँ नमक देना है डेढ़ चम्मच, थोड़ा सा मेथी पत्ता देना है, मेथी पत्ता ताकि तो खुशबू आए। उसमें और है चीज बाकी है, ठीक है सब लगे हुए हैं यहाँ पर। ये हो गया आलू चप, ये आपका कश्मीर चप। क्या चप? कश्मीरी, कश्मीरी चप, कश्मीरी चप। हाँ गाइस, हम लोग आज पार्वती पंडाल में है तो यहाँ पर सब स्पेशलिस्ट जो बोलते हैं हम लोग, तो आज यहाँ पर भैया बना रहे हैं कुछ, उनसे पूछते हैं क्या बना रहे हैं, कैसा प्रिपरेशन है, चलो बात करते हैं। मेरा नाम है देवेंद्र साव, हम बना रहे हैं आलू चप और कश्मीर चप। इसमें लगता है आपका यहाँ का शौक होता है वेजिटेबल का, आपका लगता है आलू खट्टा, इमली का आधा लगता है, आमचूर पाउडर लगता है, बादाम और नारियल, इसमें देखो होता है कश्मीर चप। गाइस हम लोग एक्चुअली मालपुआ का थोड़ा लेट हो गया, हल्का सा लेट हो गया मालपुआ के लिए, वो बन चुका है तो भाई देखते हैं भैया, पूछते हैं मालपुआ कैसा बना है इनका। नमस्कार। नमस्कार भैया, आप बताइए कि मालपुआ, हम देखे गर्मा गर्म निकला है मालपुआ, यहाँ पर सामने में पड़ा है, कितना बजे बनता है और क्या क्या डालते हैं? बनता है 8:30 बजे बनता है, उसमें किशमिश डालते हैं, नारियल डालते हैं, बादाम देते हैं, मोरी देते हैं, सूजी डालते हैं, मैदा डालते हैं, सब डाल के रस जो चीनी का सीरा होता है, सीरा सीरा थोड़ा से देते हैं, पानी दे के उसको घोलते हैं पहले। अच्छा। घोल के 10 मिनट आधा घंटा रखने थोड़ा सा घीच लेगा अच्छा मोटा हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं पुआ में क्या डालते हैं, नारियल दिखा सकते हैं? नारियल है तो वही डालते हैं क्या? सब यही डालते हैं, ये सब मालपुआ में डालते हैं, ये डालते हैं, उसमें बादाम भी देते हैं। बादाम हो गया था? बादाम को कूटा गया पूरा? हाँ, हल्का से थोड़ा सा हाफ तोड़ के रखना है, उसको डालना है उसमें, दे के सब तेल जब गर्म होगा उसका डालने से उसको आ जाएगा कलर आ जाएगा। मालपुआ इनका बहुत बढ़िया बनता है, बताया स्पेंड किए हैं, तो ट्राई करके देखते हैं। मालपुआ पूरा छाना हुआ है एकदम, और मेरे को बहुत पसंद है मालपुआ। मज़ा आ गया, ये मेरा बचपन का ये पसंद है मालपुआ। और पुआ जो बनता है होली के टाइम त्यौहार में बनता है, मालपुआ और पुआ बनता है, मज़ा आ गया। इसके अंदर देखो पूरा डला हुआ नारियल, काजू, किशमिश जो भी है पूरा ड्राई फ्रूट डाला गया इसमें, ज़्यादा भी मीठा नहीं है, ज़्यादा लप लप नहीं है, और क्रंची नहीं, साइड में क्रंची भी देखो, ये करेक्ट बहुत ही बढ़िया। तो अभी खा के चलते हैं, चलो गाइस।